फिक्र आपकी में। अब बड़ी खबर, वो बड़ी करवट लेती राजनीति की। आज बिहार की नीतीश सरकार ने अचानक जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी करके एक बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया। सरप्राइज या शॉक, प्रधानमंत्री मोदी जिस वक्त राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में बीजेपी के लिए एजेंडा सेट कर रहे थे, उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड का मुद्दा उठाकर कांग्रेस की गहलोत सरकार पर हमले कर रहे थे, उसी वक्त पटना में बिहार सरकार के प्रभारी मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह 5 सीनियर अफसरों के साथ कुछ दस्तावेज लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। अफसरों के हाथों में जाति जनगणना की रिपोर्ट थी। नीतीश सरकार ने सबको चौंकाते हुए जाति जनगणना के आंकड़े जारी किए और इसी के साथ बिहार जातीय जनगणना आंकड़े जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार की जनसंख्या 13,07,25,310 है, लेकिन जातीय जनगणना का असली मकसद आबादी की गिनती करना नहीं था, जातियों की गिनती करना था। नीले कवर वाली रिपोर्ट के पन्नों में जातियों की क्या डिटेल है, आपको एक रिपोर्ट में दिखा। पटना में गांधी जयंती के दिन नीली फाइल खुली और जाति के सारे नंबर क्लियर हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में संख्या के लिहाज से सबसे बड़ा जाति समूह अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, जिसकी संख्या 36.01% है। इसके बाद पिछड़ा वर्ग आते हैं, जिनकी संख्या कुल आबादी की 27.12% है। अनुसूचित जाति यानी कि SC कैटेगरी के लोगों की संख्या 19.65% है। सामान्य कैटेगरी में आने वाले लोगों की संख्या 15.52% है, जबकि अनुसूचित जनजाति यानी कि ST की संख्या 1.68% है। अब कुछ का जो कराया गया तो ये पूरा का पूरा करके जो भी रिजल्ट आया है, आप उसके बाद सबकी आर्थिक स्थिति एक एक परिवार का भी ले लिया गया तो करके भी सब कुछ उसको भी कर रहा है, सबको जानकारी भी दे देगा और कुल मिला करके कल प्रेजेंट करवा देंगे एक एक जगह। जातिगत जनगणना के इन आंकड़ों से बिहार ही नहीं पूरे देश की सियासी पिक्चर बदलने वाली है। आज 2 अक्टूबर है, इस ऐतिहासिक दिन में सामाजिक न्याय की धारा को एक नया बल मिला है। 1931 की जनगणना के आधार पर बिहार में OBC की संख्या 52% मानी जाती थी, लेकिन 72 साल में आबादी बढ़ने के साथ OBC जातियों का पूरा गणित बदल गया है। जाति जनगणना की रिपोर्ट के मुताबिक अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग को जोड़ ले तो बिहार में OBC जातियों की संख्या 63% से ज्यादा, अब तक के अनुमानित आंकड़े से 11% ज्यादा, यानी जातिगत जनगणना की सर्वे रिपोर्ट ने पूरा खेल पलट दिया। इन्हें तो रिपोर्ट काट देने चाहिए थी कि 33 साल 18 साल नीतीश बाबू और 15 साल लालू यादव, ये दोनों ने मिलकर राज किया और गरीबों को क्या उद्धार किया। जाति जनगणना की रिपोर्ट से OBC की राजनीति करने वाली RJD और JDU खुश है। ये पार्टियां दावा कर रही हैं कि इस रिपोर्ट से सवर्ण जातियों पर निर्भर BJP को दिक्कत हो। हमने आपको बिहार के बड़े जाति समूह की संख्या का आंकड़ा दिखाया, जिनमें OBC सबसे बड़ा वर्ग है, लेकिन OBC की राजनीति भी कोई सीधी लकीर जैसी नहीं है, काफी उलझी हुई है, क्योंकि OBC के अंदर कई जातियां आती हैं। OBC के सबसे प्रभावशाली जाति यादव है, लालू यादव इसके नेता है, इनकी संख्या 14.26% है। इसके बाद कुशवाहा आते हैं, जिनकी संख्या 4.21% है, उपेंद्र कुशवाहा इसके बड़े नेता माने जाते हैं। कुर्मी समुदाय की संख्या 2.87% है, नीतीश कुमार इस जाति के बड़े नेता हैं। बिहार में बनिया OBC में आते हैं, इनकी संख्या 2.3%। लोकसभा चुनाव से 5-6 महीने पहले बिहार की जातिगत रिपोर्ट ने दो बातें बिल्कुल साफ कर दी। पहली बात, OBC राजनीति को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा जाति फैक्टर है। दूसरी बात, OBC में भी अति पिछड़ा वर्ग तय करेगा कि बिहार की राजनीति किस दिशा में जाएगी। जातिगत जनगणना की रिपोर्ट से देश में क्या बदलने वाला है, आप एक रिपोर्ट देखें। बिहार की जातिगत रिपोर्ट में अति पिछड़ा वर्ग 36% हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़ा जाति वर्ग है। ये वर्ग अस्तित्व में तब आया जब 2005 में नीतीश कुमार पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। अब लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों पिछड़ी जातियों की राजनीति के लिए जाने जाते हैं, दोनों पिछड़ी बिरादरी से आते हैं।
ऐसे नाती पिछड़े वर्ग को सामने लाकर नीतीश कुमार ने एक नया वोट बैंक खड़ा किया। इसके साथ नीतीश ने दलितों में महादलित का वर्गीकरण किया। सामाजिक समीकरण में बंटवारे के इस फॉर्मूले से नीतीश ने लालू यादव के मुस्लिम यादव के मुकाबले एक नया वोट बैंक खड़ा किया। MY कॉम्बिनेशन के खिलाफ नीतीश कुमार ने फाइन ट्यून की थी EBC की राजनीति, और EBC की राजनीति को दरअसल एक कदम आगे ले आकर के उन्होंने मुस्लिम समुदाय के अंदर भी पसमंदा मुस्लिम यानी उनके अंदर के पिछड़े वर्ग के लोगों को अलग तरीके से काउंट करके उसकी भी राजनीति एक शुरू की थी। जाति जनगणना के नए आंकड़ों से अत्यंत पिछड़ा वर्ग की सियासी अहमियत बढ़ गई है। अब सभी सियासी दलों को अत्यंत पिछड़ा वर्ग की जातियों पर फोकस करना होगा। इन जातियों को टिकट बंटवारे में अधिक तवज्जो देनी होगी। सरकार संगठन में भी अति पिछड़ा वर्ग की भूमिका बढ़ानी होगी। मंत्री पद पर भी अति पिछड़ों का दावा ज्यादा होगा, लेकिन सियासी अंकगणित इतना सरल नहीं है। अति पिछड़ों में 114 से अधिक जातियां, इस वर्ग का कोई सर्वमान्य नेता नहीं है। ऐसे में सिर्फ जातिगत सर्वे कराकर अति पिछड़े वर्ग के राजनीतिक शिल्पकार नीतीश कुमार इसका फायदा उठा पाएंगे, इस पर सवालिया निशान। दरअसल जातिगत जनगणना सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक नए किस्म की राजनीति की शुरुआत है। जानकार इसे बीजेपी की हिंदूवादी राजनीति की काट बता रहे हैं, इसीलिए इसे लेकर अभी से राजनीति का पारा चढ़ गया है। राजनीति किस तरफ बढ़ रही है, अगर इसका अंदाजा लगाना हो तो आज दिन भर हुई सियासी बयानबाजी को गौर से देख लीजिए। आप सब लोग जानते होंगे कि कितने बार जो है अड़चने बाधाएं जो हैं पैदा करने की कोशिश की गई भाजपा द्वारा, कि प्रधानमंत्री जी ने नकार दिया, लोकसभा में नकारा गया, राज्यसभा में नकारा गया, लेकिन जो हम लोगों का कमिटमेंट था ये कराने का वो हम लोगों ने किया। बस जातीय अनुमाद फैलाना, लालू जी का ये आदत रहा है जातीय अनुमाद फैलाना। भारतीय जनता पूर्ण रूप से जातीय सर्वेक्षण का समर्थक रही है। इस जातीय जनगणना के आंकड़ों से बिहार में अलग अलग दलों की सियासी ताकत क्या है, इसका एक अंदाजा भी मिल रहा है। दरअसल अब तक जो बातें अनुमानों पर आधारित थीं, अब वो ठोस आंकड़ों के जरिए कही जा सकती हैं। सबसे पहले RJD की कास्ट पावर यानी जाति शक्ति को समझिए। RJD की ताकत उसका MY समीकरण रहा है, यानी यादव और मुसलमान। यादव 14.26% और मुसलमान 17.70%। दोनों को मिला दें तो RJD की जाति शक्ति 31.96% है। अब JDU की जाति शक्ति को देखते हैं। JDU का कोर वोटर कुशवाहा, कुर्मी और अति पिछड़ा वर्ग रहे हैं, इन्हें मिला दें तो ये 43% हो जाते हैं। अब बिहार की तीसरी बड़ी ताकत BJP की जाति शक्ति का हिसाब देखें। बिहार में सवर्ण जातियां BJP का कोर वोटर रही, इनमें ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, कायस्थ, OBC में शामिल बनिया मुख्य हैं। इसके साथ 19.65% की संख्या वाली अनुसूचित जातियां भी BJP को वोट देती रही हैं। इस तरह BJP की जाति शक्ति को जोड़ दें तो यह 32.52% है। चलिए एक बार बिहार के तीनों बड़े दलों की जाति शक्ति को एक साथ देख लेते हैं। RJD की जाति शक्ति 31.96% है, और ये वो फैक्टर्स हैं जब सभी लोग इनको वोट करें और सभी लोग इनके साथ हैं। JDU का कास्ट पावर 43.09% है, जबकि BJP की जाति शक्ति 32.52% है। ये सारे फैक्टर्स तभी एक कांस्टेंट लेकर चल रहे हैं अगर सभी इन्हीं के सतरफ हों, सभी इन्हीं के साथ हों, तब ये इनकी जाति शक्ति है। खैर, जातीय जनगणना पिछले कुछ वर्षों से RJD और JDU के लिए बड़ा राजनीतिक मुद्दा रहा है। आज के दिन बिहार की राजनीति के दो चेहरे नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव बहुत अहम हो गए हैं, क्योंकि इन दोनों ने ही जातीय जनगणना का मुद्दा सबसे पहले उठाया था। जातीय जनगणना के आंकड़े जारी होने के बाद नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर कहा, जाति आधारित गणना से न सिर्फ जातियों के बारे में पता चला है बल्कि सभी की आर्थिक स्थिति की जानकारी भी मिली है। इसी के आधार पर सभी वर्गों के विकास एवं उत्थान के लिए अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। 2015 के विधानसभा चुनाव में RJD अध्यक्ष लालू यादव ने जातीय जनगणना को बड़ा मुद्दा बनाया था। आज जब जातीय जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई तो लालू यादव ने सोशल मीडिया पर किए पुराने पोस्ट फिर से जारी कर दिए।
लालू यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए भविष्य की राजनीति का इशारा दिया। उन्होंने लिखा, बीजेपी की अनेक साजिशों, कानूनी अड़चनों और तमाम षड्यंत्र के बावजूद आज बिहार सरकार ने जाति आधारित सर्वे को रिलीज किया। ये आंकड़े वंचितों, उपेक्षितों और गरीबों के समुचित विकास और तरक्की के लिए समग्र योजना बनाने और हाशिए पर पड़े समूहों को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व देने में देश के लिए नजीर पेश करेंगे। सरकार को अब सुनिश्चित करना चाहिए कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस पोस्ट में लालू यादव ने इंडिया गठबंधन की आगे की रणनीति का भी खाका खींच दिया। लालू यादव ने आज ऐलान किया कि केंद्र में 2024 में जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तब पूरे देश में जातिगत जनगणना कार्रवाई की जाएगी। सवाल यह है कि जातीय जनगणना का मुद्दा क्या इंडिया गठबंधन का मास्टर स्ट्रोक है और इसे एनडीए कैसे काउंटर करेगा? हमारा पहला काम कास्ट सेंसस होगा और जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम देश को बता देंगे इस देश में कितने ओबीसी हैं, कौन से कितने जात की आबादी है, कि अब वो समय आ गया है कि हमें हिंदुस्तान का एक्सरे करना है। ये इंडिया गठबंधन की नई राजनीति है जिसे बीजेपी की हिंदुत्ववादी राजनीति के खिलाफ धार दी जा रही है। इसीलिए राहुल गांधी अपनी हर रैली और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार ओबीसी और जातीय जनगणना को मुद्दा बना रहे हैं। आज जैसे ही बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक हुए इंडिया गठबंधन के नेताओं ने अपने अगले कदम का इजहार कर दिया। प्रधानमंत्री जी और भाजपा के लोग जो हैं पूरे देश में जो है जातीय जनगणना जो है कराना चाहिए। कई सौ वर्षों की गुलामी को तोड़ करके जातिगत जनगणना जनता के सामने रखी है। हम आज के दिन नीतीश कुमार को सैल्यूट करते हैं और ये अगले चुनाव के लिए एजेंडा भी तय हो गया। तो जाति जनगणना पूरे देश का विषय है, पिछड़े वंचित अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की मांग है लंबे समय से कि जाति जनगणना कराई जाए। आज राहुल गांधी अमृतसर में थे, उन्होंने एक पोस्ट में देश की सियासत के नए समीकरण का जिक्र किया। बिहार की जातिगत जनगणना से पता चला है कि वहां ओबीसी एससी और एसटी 84% हैं। केंद्र सरकार के 90 सचिवों में सिर्फ 3 ओबीसी हैं जो भारत का मात्र 5% बजट संभालते हैं। इसलिए भारत के जातिगत आंकड़े जानना जरूरी है, जितनी आबादी उतना हक, ये हमारा प्रण है। हम तो हमेशा से इसके पक्षधर रहे हैं। तो सरकार आई तो फिर आप मध्य प्रदेश में भी कराएंगे क्या? निश्चित। इंडिया गठबंधन की राजनीति किस तरफ बढ़ रही है इसे प्रधानमंत्री मोदी भांप रहे हैं, इसीलिए उन्होंने ग्वालियर की रैली में जाति की राजनीति को परिवारवाद से जोड़ दिया। वो तब भी गरीबों की भावनाओं से खेलते थे, आज भी वही खेल खेल रहे हैं। वो तब भी जात पात के नाम पर समाज को बांटते थे, आज भी वही पाप कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को इसका एहसास पहले से था कि इंडिया गठबंधन अब जाति जनगणना को आधार बनाकर जाति की राजनीति को आगे बढ़ाएगा। इसीलिए संसद के विशेष सत्र में इसकी काट के तौर पर महिला आरक्षण बिल को पास कराया गया।